हमारा धर्षक साल में हमारा लाइफ में जो हमारा पॉलिटिकल लाइफ में हम 72 से उनके साथ में हैं। जो वो जब सीएम था हम भी उस टाइम में पार्टी को ऑर्गेनाइजेशन पार्टी को कोई कांग्रेस वर्क कर रहा तो उसके साथ हम 1980 साल में जो इलेक्शन हुआ काउंसिल उसके साथ हमें हम भी जीत के आया। तो उसको साथ हम वो भी सी एम हुआ हम भी उसको साथ हम भी ईएम हुआ। तो हम लोग ईएम होने में उन लोगों के साथ काम करने का बहुत अच्छी तरीके रहा। तो हमारा लंगठा को लाइफ तो ऐसे है। उसको जन्म तो नूटन वादन जिस गांव में जन्म हुआ उसको लंगठा और माई को नाम है खेलो खेलो का। तो वो फर्स्ट सात भाई बहन है, तीन भाई है और चार बहन है उन लोगों। तो उसको जन्म होने के साथ बच्चापन में उसको काका रामदन लंग से बोल के उसको अपन काका है वो उसको लेखा पढ़ा करने को स्कूल में भर्ती कराने को लंगठिंग में भर्ती कराई जाए लंगठिंग से हुआ पढ़ के कुछ हाफलों में आई के भी हुई तो रास्ता दी थी। तो वो स्कूल स्टडी करने के साथ साथ उसको फिर नौकरी में डूब गया सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो 1955 में तो फर्स्ट सेरिकल्चर को जो वो अपॉइंटमेंट हुआ वो कोहिमा आगे नागालैंड नागा हिल्स रहा अभी नागालैंड है वहाँ में उसको अपॉइंटमेंट हुआ कोहिमा में। तो कोहिमा से वहाँ में कितना सब साल बैठ के वो माइबंग माइबंग में ट्रांसफर हो गया। तो वहाँ में कितना तो वहाँ में काम किया सेरिकल्चर डिपार्टमेंट में। तो उस सेरिकल्चर डिपार्टमेंट के जो एरी एरी पुका पालने में दिमाशा दिमा जिले को बहुत सिखाया रहा। तो वहाँ से फिर गंजुंग में ट्रांसफर हुआ 58 में 58-9 में। तो वहाँ में काम करके वहाँ में जो 59 में वो रिजिग्नेशन दे दिया नौकरी से उसको सर 1962 से वो पॉलिटिक्स में डूब गया। तो उसके साथ से लोग गंजुंग में जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को इलेक्शन हुआ वो इलेक्शन में भी वो पास हुई जीत गया जीत के ई एम भी हुआ सी एम भी हुआ। उसको साथ कंटिन्यू 2011 तक वो अभी भी पॉलिटिकल में लीडर बन गया है और मंत्री जी भी पास बार हुआ नहीं हुआ और सी एम भी तीन टर्म्स वो भी सी एम हुई है। तो उनका जो शासन में हमारा जिम्मा हासिल जितना उन्नति हुआ वही है अभी अभी कुछ नहीं है। उसको टाइम में जो इरिगेशन बोलिए पीडब्ल्यूडी बोलिए मेडिकल डिपार्टमेंट बोलिए सब कुछ उसको हार्मी हुआ रहा। तो एक मृत्यु को जन्म होने से मृत्यु भी लगता। तो वो सारा वो 2018 में 3 फरवरी में वो उसको ध्यान हुई गया। तो ये है। तो हमारा दिमाग हासू में एक वो है एक नेता था नेता है वो पॉलिटिकल लीडर है। तो उसका वो जॉब और नहीं तो हमारा भविष्य में इन फ्यूचर में भी हमारा इसमें भी लीडर मिलना बहुत कम है। इसलिए हम इसको उसको हमारा हम लोग के साथ अगर नहीं होने से भी उनका स्मृति हम लोग सिरोदिने ही रहेगा। जो उसको बोई में जो सुना से लिख के रखने का हमारा दिल है यही है उसको हिस्सा का प्रिय दोस्तों हम लोग आज जिस लंगठा साहब जी जो गुजर गए उनका आज जो श्राद्ध है ये प्रोग्राम में हम लोग यहाँ पे हैं और यहाँ पे काफ़ी आदमी जो उनको श्रद्धांजलि व उनका राज्य साधन में शामिल होने के लिए कितना 100-100 आदमी यहाँ पे खड़े हैं। और अभी अभी ये एक अनुष्ठान शुरू हुआ और उसका बाद उनका जो राइचुअल्स है वो राइचुअल भी शुरू होगा। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आदमी यहाँ पे है और उनका सबका यहाँ का दिवासवासी का जो रेस्पेक्ट है व जो उनको श्रद्धा जनाने की कोशिश में आज यहाँ पे सब इकट्ठा हुए हैं।
next term of the MLAs from North Kasar Hills district. The people knows me very well since for last 46 years. I've been working in the capacity of MDC executive member and the chief executive member, MLA, and chief terms of minister under the government of Assam. I one of the most senior congressmen in the Indian National Congress. Even the central leaders, they are junior to me. Therefore, during the tenure of my service for the last 46 years, I have sought socially and economically for the development of the North Kasar people. I am the passion, non-communal. I like everybody living in the district, both tribals and non-tribals. And I have been educated from the English medium. I am well conversation with the Bengali people. All the time I like everybody, those are living in the North Kasar Hills from time immemorial. With such a hope, I hope this time also I'll get